नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। यह बीए भाग प्रथम का प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो शीर्षक लिखा हुआ है, राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति, उसमें राजनीति विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या, इसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या मान्यता है और वास्तव में यह विषय कैसा है, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि मैंने इस पाठ की शुरुआत में बता दिया था आपको कि राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र बताने वाले दो दृष्टिकोण हैं, जिनमें प्रथम दृष्टिकोण जिसे परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है और दूसरा दृष्टिकोण जिसे आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। यह दोनों ही दृष्टिकोण पुराने और नए दृष्टिकोण कहलाते हैं और इन्होंने अपने अपने हिसाब से राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र बताया है। अतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो परंपरागत दृष्टि, राजनीति विज्ञान की प्रकृति के विषय में जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसको हम आज देख लेते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को दर्शन मानता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, यह दर्शन है। दर्शन वह विषय होता है जो कल्पनाओं पर आधारित होता है, मूल्यों पर आधारित होता है और जिसमें वैज्ञानिकता का पुट नहीं होता। प्लेटो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन विषय कहता है, लेकिन प्लेटो के पश्चात उसी के शिष्य ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा। अतः राजनीति विज्ञान को दर्शन मानना परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के अंतर्गत होगा और यह राजनीति विज्ञान की प्रकृति के विषय में एक बिंदु निष्कर्ष के रूप में निकल कर आ रहा है कि राजनीति विज्ञान एक दर्शन है, ऐसा कौन कहता है? तो इसका उत्तर होगा प्लेटो कहता है। और यह कौन से दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है? परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना यह आधुनिक दृष्टिकोण की देन है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत 1950 से मानी जाती है और राजनीति विज्ञान को विज्ञान ईसा पूर्व से माना जाता है। जो राजनीतिक दर्शन का पिता है प्लेटो, उसी के शिष्य अरस्तु ने राजनीति को विज्ञान कहा। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में एक समय था जब इसे दर्शन कहने वाले और विज्ञान कहने वाले एक साथ रहे हैं। अतः यह एक उस समय की मान्यता है, लेकिन हकीकत में राजनीति विज्ञान को जो शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस की दिशा में ले जाने वाला जो दृष्टिकोण है वह आधुनिक दृष्टिकोण है। अतः राजनीति विज्ञान एक दर्शन है, परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जिसे डेविड स्टर्न ने कहा है आधुनिक दृष्टिकोण। इसी के साथ ही दोनों दृष्टिकोणों को सम्मिलित करते हुए हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति को फिर से समझ लेते हैं। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान अपने स्वभाव से कैसा विषय है। यह विज्ञान है, यह कला है, यह दर्शन है। तो राजनीति विज्ञान विज्ञान भी है, कला भी है और दर्शन भी है। राजनीति विज्ञान को दर्शन मानने वाला परंपरागत दृष्टिकोण है, विज्ञान मानने वाला आधुनिक दृष्टिकोण है, कला मानने वाला आधुनिक दृष्टिकोण। अब हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, राजनीति विज्ञान कला है या नहीं है, दर्शन है या नहीं। क्योंकि कहने मात्र से ही किसी का विज्ञान, कला या दर्शन हो जाना
नहीं हो सकता। तो विज्ञान वह ज्ञान है जो प्रयोग और परीक्षण पर आधारित होता है, जिसमें क्रमबद्धता होती है, स्पष्टता होती है, जिसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। हमारा विषय राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें प्रयोग और परीक्षण होते हैं। इसमें विज्ञान की भौतिक विज्ञान की तरह एक स्थापित प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन हर जगह ऐसी प्रयोगशालाएं देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है जो उनके हितों के अनुरूप नहीं होती, या जो सरकार संविधानवाद पर आधारित नहीं होती उनको जनता उखाड़ देती है, उनको जनता बदल देती है। अतः राजनीति में प्रयोग और परीक्षण होते हैं। कार्य कारण संबंध पाया जाता है। जैसे 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण चर्बी लगे कारतूस थे, जो धार्मिक और तात्कालिक कारण रहा। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वह सब होता है जो एक विज्ञान में होता है। इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, रसायन विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, गणित में भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसके सिद्धांत स्पष्ट होते हैं उन सब में भविष्यवाणियां की जा सकती हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन इसकी भविष्यवाणी उस रूप में सफल नहीं होती जिस रूप में शुद्ध विज्ञानों की होती है। शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत हम गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र को सम्मिलित करते हैं, और मानवीय विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान को सम्मिलित करते हैं। इसीलिए इसे नृविज्ञान या समाज विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी भविष्यवाणी मौसम विज्ञान की तरह है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, लेकिन मौसम विज्ञान की तरह का विज्ञान है। अतः विद्यार्थियों, हमें यहां हमारे विषय को एक सौभाग्य प्राप्त है कि यह आर्ट्स कला के अंतर्गत पढ़ा जाता है, लेकिन विज्ञान की श्रेणी में आता है। और राजनीति विज्ञान विज्ञान है, चाहे वह मौसम विज्ञान की तरह का ही विज्ञान हो। आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग और परीक्षणों की संख्या, सिद्धांतों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए वैज्ञानिकता की ओर बढ़ता हुआ विषय है। राजनीति विज्ञान दर्शन है या नहीं, इसको भी हम स्पष्ट कर लेते हैं। दर्शन में मानवीय मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, दया, परोपकार आदि का अध्ययन किया जाता है, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानवीय मूल्यों का अध्ययन शुरू से ही होता रहा है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत होने पर मानवीय मूल्यों को निरपेक्ष रूप से देखा जाने लगा, और एक राजनीतिक वैज्ञानिक या विश्लेषक या उस विषय पर काम करने वाले व्यक्ति को सचेत किया गया कि वह मूल्यों के प्रति लगाव नहीं रखें, वह अपना काम करते समय किसी भी प्रकार की भावनाओं में, आवेग में, भाई भतीजावाद में, अपनी जाति व्यवस्था में नहीं फंसे, जो बात जैसी है उसको उसी रूप में कहें। अतः आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सापेक्षता पर बल देता है। और हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक राजनीति विज्ञान दर्शन से प्रभावित रहा है और इसमें दार्शनिकता विद्यमान है, लेकिन इसे राजनीतिक दर्शन कहना वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं होगा। राजनीति विज्ञान कला है या नहीं, यह भी हम स्पष्ट कर लेते हैं।
कि कला अभ्यास पर आधारित ज्ञान होता है। सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने क्योंकि उन्होंने निरंतर अभ्यास किया। लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका रही क्योंकि उन्होंने निरंतर अभ्यास किया। और इसके अलावा हम क्रिकेट जगत में, खेल जगत में और फिल्म जगत में, उद्योग जगत में, राजनीतिक क्षेत्र में कई हस्तियों को देखते हैं कि चमत्कार से कोई बड़ा व्यक्ति या प्रशासक नहीं बना है, अपितु अभ्यास से बना है। और अगर अभ्यास आधारित ज्ञान कला है तो निश्चित रूप से राजनीति भी अभ्यास पर आधारित है। इसके अंतर्गत जो हम जिन हम अस्थाई और स्थाई नौकरशाही का अध्ययन करते हैं वे सब अभ्यास पर आधारित होते हैं। एक अच्छा प्रशासक 60 वर्ष तक निर्णय लेता है, उनको लागू करवाता है और ऑन स्पॉट डिसीजन लेने की उसमें क्षमता होती है और तब जाकर वह कई कूटनीतिज्ञ कहलाता है। एक अच्छा प्रवक्ता या प्रोफेसर बहुत स्टेज पार करता है तब जाकर वह बिना किताबों के, बिना किसी सहायक सामग्री के आप सभी के समक्ष पढ़ा पाता है। अतः ऐसे व्यक्ति को हम कलाकार कह सकते हैं और ऐसे प्रशासक को हम कलाकार कह सकते हैं। और राजनीति के जो चुनाव में जीतने में पारंगत होते हैं, जनता के बीच अपनी बात रखने में सक्षम होते हैं, वे बार बार चुनाव जीतते हैं, कभी चुनाव नहीं हारते, तो उनको भी हम कलाकार कह सकते हैं। अतः राजनीति विज्ञान में जिनका अध्ययन किया जाता है वे सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान एक अभ्यास पर आधारित कला है। रॉबर्ट टाइट के अनुसार राजनीति विज्ञान कला, दर्शन और विज्ञान तीनों का समन्वय है। लोशवेल के अनुसार भी राजनीति विज्ञान में कला, दर्शन और विज्ञान तीनों का समन्वय है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के वीडियो से हम राजनीति विज्ञान के भाग प्रथम का प्रथम अध्याय जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको पूरा कर पाए हैं। और जहाँ कहीं आपको संदेह हो आप हमारे कॉलेज ग्रुप में अपना प्रश्न डाल सकते हैं या मेरे नंबरों पर वार्तालाप करके आप उसका समाधान पूछ सकते हैं।